सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के सर में आपको बताने वाला, अगर आपका भी चैनल यूट्यूब चैनल सर्च बार पे नहीं आता तो आप इसे कैसे सर्च बार पे ला सकते हैं। गाइज, मेरा भी पहले यूट्यूब चैनल सर्च पे नहीं आता था, मैंने एक सेटिंग की जिससे कि मेरा चैनल अब सर्च बार पे आने लगा। गाइज, अगर आपने 50 वीडियो, 100 वीडियो, कितनी भी वीडियो अपलोड कर दिया, कितने भी सब्सक्राइब, अगर आपका सर्च बार पे नहीं आता तो उसे कैसे ला सकते हैं अपने चैनल को सर्च बार पे। सो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं आता तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी प्रकार से यूट्यूब से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहे। चलो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे कि ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है, और आपको इस पर न्यू टैब को ओपन कर लेना है गाइस, प्लस वाले आइकन पर जाके, और आपको हमें सर्च करना है youtube.com। जैसे आप इसे सर्च कर देंगे तो कुछ आपका यहाँ पे क्रोम पे यूट्यूब खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ऊपर जो ट्रिपल लाइन है गाइस, जहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल करना होता है, यहाँ पे लाल लाल रंग में निशान दिया है जो मैंने, उस पर डायरेक्टली क्लिक करना और रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर देना है गाइस। इसके तरह आपको यहाँ पे पीसी की तरह दिख जाएगा, आपको अपने मोबाइल पीसी का इन और अपने लोगो पे क्लिक कर इन्हें, जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्रिएट स्टूडियो या आपके में यूट्यूब स्टूडियो होगा तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टूडियो खुल जाएगा, क्रिएट स्टूडियो। आपको वहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पे गए, जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक लास्ट जो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे सेटिंग खुल जाएगी, आपको उसके सेकंड वाला ऑप्शन है जो चैनल का, डायरेक्टली उस चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है गाइस। जैसे मैं यहाँ पे चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ओपन है ही, वो फर्स्ट पे ही ओपन करना है। एंड नीचे को स्वाइप कर लेना है, इसे नीचे को स्वाइप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स लगाने होते हैं जिससे आपका चैनल सर्च पे आने लगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखा है लेट बिनोल यूट्यूब, जैसे मैं एक और टैक्स आपको लिख के, आपको कुछ भी लिखना है अपने नाम से रिलेटेड, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे कट करके LALLIT ललित BINOL, और यहाँ पे टैग आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टैग लिख दिया तो आप मेरा इसी से रिलेटेड मेरा यूट्यूब चैनल है तो मेरा सर्च पे आने लगी है, मेरा यहाँ पे टैग से लिख दिया। यहाँ पे आपको अपने नाम से रिलेटेड, अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे टैग से लगा देने गए जिससे कि आपका चैनल सर्च पे आएगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पे और कुछ लगा लेता हूँ, जैसे कुछ भी लिख लेना, आपको अपने नाम से रिलेटेड यूट्यूब ललित बिनोल लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा टैग से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे उसे फिर आगे बढ़ा दूँगा, ठीक है, डन कर दूँगा। तो गाइस, आपको यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे वाला टेक्स्ट लग गया, नीचे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गाइस, हमारा टेक्स्ट लग चुका है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।